सबको मिलवा दीजिए। चलिए खुश रहिए, खुश रहिए। ये बहुत बहुत प्यारी प्यारी कलाकार है और आपके नेपाल में ही जिस दिन ये घटना हुआ था मेरा, उसी दिन सोमिया मुझसे मिली थी और उसी दिन के बाद से ये लगातार सबके साथ, मेरे साथ भी इन्होंने काम किया है और सबके साथ बहुत अच्छा कर रही हैं। भगवान इनको और ऊपर लेके जाए, इनकी तरक्की और हो, बड़ी बने, मेरी शुभकामना। मेरे मुझे जितना करना था इनके लिए कर चुका हूँ, अब इससे ज्यादा क्या कर सकता आदमी। अब इनकी अपनी क्षमता, इनकी अपनी काबिलियत, इनकी अपनी मेहनत। दुनिया में जैसे एक माँ बाप की बात होती है कि माँ बाप आपको पैदा कर सकता है, आपको बड़ा कर सकता है, लेकिन आपको कितना बेहतर करना है ये आपको ही तय करना होगा। तो सोमिया से मेरा, मैं जब भी मिला, एक स्टेज पे बोल रहा हूँ, नहीं बोलना चाहिए, कि मेरे मन में इनके लिए हमेशा एक कलाकार हैं, बट ऐसे अगर दिल से मैं इनको कभी अपने बहन से बढ़के एक रिश्ता होता है, एक माँ से बढ़के रिश्ता होता है, एक बेटी से बढ़के रिश्ता होता है, वो सारे रिश्ते मैंने इनसे कोशिश किए कि हाँ आप बेहतर करो बेटा अपने जीवन में। मुझे लगता है कि उसके बाद से मैं सोमिया से कभी मिला भी नहीं, शायद वैसा मौका नहीं मिला हमें, या बहुत कुछ हो गई। सोमिया से मैं कभी नाराज नहीं रहा। ये बच्ची है, मैंने दुनिया देखी है और मैं दुनिया देखा हूं तो मुझे पता है कि ये दुनिया कब कहां कैसे किससे दूर कर देगी, कब आपको चढ़ा के आपको नीचे गिरा देगी, ये पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए हमें अपने आप को संभालने के लिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सर, सबसे पहले तो मैं एक ब्राह्मण हूं, फिर भी आपको मैं इतना मानती हूँ और मैं आपका हमेशा जब भी मिलती हूँ पैर छूती हूँ, क्योंकि मैं आपको हमेशा, आप जैसे आप बोले हमको कि एक बहन के दर्जे में देखते, तो उसी दर्जे में मैं आपको एक गॉड की तरह देखती हूँ। फर्स्ट टाइम मिली थी तब भी बोल रही थी, अभी मिली हूँ तब भी बोल रही हूँ, और जब भी मिलूंगी तब भी बोलूंगी ये चीज। और मेरे को आपसे कभी काम के लिए लालच नहीं है, मैं आपका हर टीम के लोग से बात करती हूँ, लेकिन आज तक मैं ये नहीं बोली हूँ कि दोबारा खेसारी सर के साथ हमको काम चाहिए। बस मैं ये बोली हूँ कि मेरे को जिस नज़र में खेसारी सर पहली बार हमको देखे थे कि सौम्या मेरी फैन है, बस मैं जिंदगी भर खेसारी सर की वही एक फैन बन के रहना चाहती हूँ। थैंक यू सौम्या। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ सर, मेरा मन में ये चीज बहुत दिनों से है और आपसे मैं उस दिन से मिली नहीं थी, मिलने की बहुत कोशिश की थी, मेरे साथ बहुत गेम भी हुआ था, तो मैं आज आपके साथ मिली हूँ तो बताना चाहती हूँ कि ये टैटू मेरे हाथ में जैसे आप देखे थे अभी भी है और आजीवन मैं जब तक रहूंगी तब तक रहेगा। और ये कोई दिखावटी प्यार नहीं करती हूँ मैं इनसे, अगर ये होता तो इंडस्ट्री में हमको काम करने को बहुत दिक्कत होता है कि अरे खेसारी का टैटू हटाओगी तब मूवी में काम मिलेगा, हम बोले नहीं दीजिए, लेकिन ये आजीवन रहेगा मेरे हाथ में। थैंक यू, थैंक यू। देखो बेटा, आप टैटू, ये टैटू बहुत छोटी चीज है जिंदगी में, इस टैटू से बड़ा आपका कर्म है, आपकी मेहनत है, उसको बड़ा करिए। खेसारी तो अपने आप में आपके साथ है और पूरी दुनिया आपकी अपनी हो जाएगी, वो सिर्फ मेहनत से हो सकता है। नहीं तो किसी के टैटू बनवा लेने से अगर इंसान महान हो जाता बेटा, तो मुझे लगता है कि हर आदमी राम का, कृष्ण का, हर आदमी का टैटू बनवा कर बड़ा हो जाता। बट आपके अंदर बात थी, आपने मेहनत की, सिर्फ टैटू के वजह से हो सकता है कि दुनिया आपको जाने, बट इस दुनिया के दिल में जगह बनाने के लिए आपने मेहनत की कि हमारी जान आज हरदी से लटाई बड़ी मैं एक बार आपको मतलब उसी दर्जे से प्यार से हक करना चाहती हूँ बस। काहे कर माइक को काट देता रहो, मेरा माइक को क्या कर दे रहे, दुश्मनी है क्या आप लोग को? नहीं, वो आपके ही हाथ से गड़बड़ हो रहा है।
मैं फर्स्ट टाइम जब सर से मिली थी ना, मेरे को माइक पकड़ के बोलने को भी नहीं आता था. सर ही बताए थे कि ऐसे बोलो बेटा, और सर बीच में हमको चढ़ाने बढ़ाने वाले लोग भी बहुत मिले. कोई बात नहीं, ये सब स्टेज पे डिस्कशन नहीं होता. नहीं नहीं, उसके वजह से मैं आपसे दूर हुई थी, बट अब नहीं होना चाहती हूँ सर. कि जहां जाए भूत जा जा, ए हा 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 हा. छोड़ दीजिए, रुकिए. क्या बेटा बता, एक एक मिनट, एक मिनट छोड़ो, मुझे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, एक मिनट. हाँ, क्या चाहिए आपको? हमको काम चाहिए. काम चाहिए? एक मिनट, रुक जाओ, रुक. आपको काम चाहिए ना, तो सुनो पहले मेरी बात. काम ऐसे नहीं मिलता, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको डांस सीखना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा, अपने आप पे मेहनत करना पड़ेगा. ठीक है, पहले मेहनत करिए आप, उसके बाद आपको जरूर हम काम. अपना नंबर दे दूं संजय, इनको नंबर दे दो, मेरा नंबर दे दो. जाओ जाओ, वो मेरा भाई है. बाबू बाबू बाबू, बेटा 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 बेटा, हाँ नंबर, इनको नंबर दे दो, नंबर मेरा दे दो. कि जहां जाए भूता जा, ए सनम देख जिंदगी भोखा दिल जखम, जनी सोचा हमारा बारे में, तुहरा खाती हमारा मायल नारा है. ये प्यार कल्हे परसों के कायल नारा है. भुला गईल वैसे जैसे भाईल नारा है. एक बहुत प्यारा मेरा सैड सॉन्ग रिलीज हुआ था बदनाम एंटरटेनमेंट पे, कि पहले रहने पाने अब शराब हो गई हो गई, अब तुम्हारा खाती इतना हम खराब हो गई, कि देखे में सुनो तू तो बड़ू खाली बाहर से, तुहर नाम भजिल हमारा से, हम बदनाम तारा से. चलो सौम्या, हम बिल्कुल आपसे नाराज कभी नहीं रहे बेटा, आप ऐसे ही काम करते रहे. आपको किसी के गाने में देखता हूँ तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती है, क्योंकि पहली बार मैंने आपके साथ काम किया था, पहली बार आप मेरे साथ लॉन्च हुए थे, और आज पूरे भोजपुरी स्टारों के बीच में आपका एक पहचान है, भोजपुरी समाज में आपकी एक छवि है, उसको हमेशा बरकरार रखिए और ऐसे ही मेहनत करते रहिए. बैठिए, हम लोग मिलते हैं.